देखिए, घर बनाने से पहले कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है पहले, तो वो तैयारी चल रही है। और जैसे ही हम वो घर की जब वो डीपीआर स्टेज के ऊपर आ जाता है, तो फिर एक तोता सा बांध के रिबन काटा जाता है, वो भी काट देंगे। ये तो दो ढाई महीने एजेंडे लिए फिर रहे, मैं क्या करूं। उस दिन मैं बोल दिया था तो फिर उल्टे संदेश जाते हैं कहीं। मैं तो आज जो देखिए, बहुत जल्दी अम्बाड़ा का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत, चाहे वो वार्ड का हमारा उम्मीदवार हो, मेयर का उम्मीदवार हो, उसका चयन करता है। और मैं पिछले कई दिनों से यहाँ हमारे जो स्थानीय हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद रतनलाल कटारिया जी केंद्र में मंत्री भी हैं, यहाँ के हमारे जो विधायक हैं असीम गोयल, यहाँ के जिला के अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सब से एक लंबा विचार मंथन मैंने किया है। अन्य हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा की है, और हमारे चाहे वो पार्षदों की बात हो या मेयर की बात हो, सारी चर्चा हो करके इनके चयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी फैसला होकर के आपके सामने आ जाएगा। नहीं रही सरकार के कांड से जून ही खिसकर, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके यहाँ जो भी सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो MLA हैं, चाहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आए, चाहे वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष आए, चाहे कोई MP आए, कोई भी आए, हम उसे अपना विरोध जताना चाहते हैं। जो काले कानून है हम चाहते हैं वो काले